आज हम बात करने वाले हैं आइसर के लिफ्ट स्प्रिंग के बारे में। हमारी लैंग्वेज में हम उसे पाटा कमान बोलते हैं। जो कमान का पहला वाला पाटा रहता है मेन, वो टूटा हुआ है तो क्या होता है, तो गाड़ी फैंस झुक जाती है, हम लोड नहीं भर सकते उसके अंदर और गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है। वो लेफ्ट या राइट साइड जिस साइड का टूट जाता है उस साइड खींचने लगती है और चलाने की बहुत मजा ही नहीं आती है, समझ लो ना। तो कैसे करते आज बताता हूँ मैं आपको। डीजी ऑटो पार्ट्स हमारे फ्रेंड्स का पार्ट का दुकान है फ्रेंड्स। ये यहाँ पे आइसर का जेन्युइन पार्ट मिलता है सभी, आप देख सकते हो। डीजी ऑटो पार्ट बायर यहाँ आइसर का जेन्युइन पार्ट मिलेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मयूर, मयूर मोटर्स बायर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आइसर का फ्रंट व्हील का कमान का पाटा टूट गया है, जो मेन वाला पहले वेल्डिंग किया हुआ था, तो आज हम नया डालने वाले हैं। तो आज आपको बताने वाला हूँ पूरा मैं वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। ये आइसर का लेफ्ट साइड का व्हील है फ्रंट, आप देख सकते हो पूरा कमान है, अल्लाह काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो निशान पे पहले पाटा वेल्डिंग किया हुआ है, अभी फिर से टूट गया है, यहाँ पे क्रैक है, तो हम रिप्लेस करने वाला है मेन पाटा, ये दूसरा डालने वाला है, ठीक है। तो आज बताता हूँ कैसे चेंज करना चाहिए। सबसे पहले हमें तो अलग बताइए, सबसे पहले क्या क्या चीज खोलना है हमें। पहले तो जोली खोलेंगे, ये जोली का बोल्ट है, दो आगे दो पीछे जो खोलने वाले हम, और बाद में जैक लगाएंगे, जैक लगाएंगे हम पीछे, फिर पिने निकालेंगे, पिने निकालेंगे ये आगे, फिर बाहर निकालेंगे पीछे वाली आगे वाली, चार बोल्ट जोली का निकाल देंगे, गाड़ी को जैक पे ऊंचा कर लेंगे, फ्री कर देंगे कमान को, और बाद में ये कमान पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कार को हमने अभी आइसर को जैक पे ले लिया है, आप देख सकते हो पूरा वजन उसके ऊपर है, और ये कमान का पिन भी यहाँ से निकाल लिया है, ये चार बोल्ट जोली का रहता है वो भी हमने निकाल लिया है यहाँ से, ये पिन निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से निकालने वाले ये कमान को पूरा, तो अलारक भाई खींच लो कमान उतार लो, ये हमारा कमान अब नीचे आने वाला है पूरा, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरा कमान हमने बाहर निकाल लिया है, ये आप देख सकते हो मेन पार्ट है, पहले वेल्डिंग किया हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ है, ये चेंज करने वाले नया डालने वाले। इधर देखो करो ऊंचा पाटा, यहाँ से टूटा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, निकालो बा। तो ये मेन पाटा है ना, मेन पाटा हम चेंज करने वाले कमान का, ये आइसर है, ठीक है, तो बदलने वाले। तो सबसे पहले हमें ये सब बोल्ट निकालना रहता है, बाद में सब पूरा नीचे वाला पाटा को मिलाना रहता है, बाद में नया ऊपर वाला मेन कमान आएगा, पाटा आएगा कमान का, हम इंस्टॉल करने वाले, ठीक है फ्रेंड्स। ये कमान में नया वाला पाटा हमने इंस्टॉल कर लिया है, आप देख सकते हो पूरा, पहले वो जो पुराना था वो यहाँ से क्रैक था, ये हेल्पर और मैकेनिक काम करते हैं। ये पुराना वाला ये है फ्रेंड, आप देख सकते हो ये टूटा हुआ है, ये नया इंस्टॉल कर लिया, ये सेंटर बोल्ट आता है, ये दो कसने के लिए दो बोल्ट रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाद में ये हम इंस्टॉल करने वाले यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स ये कमान हमने लगा दिया है, यहाँ पे पिन लगाना रहता है वो भी लगा दिया है, और वो जोली के बोल्ट भाई टाइट करता है, अभी जोली लगाने वाले हम वहाँ पे, सेटअप चलता है आप देख सकते हो, यहाँ पे लगाना बाकी है पिन एक साइड। फ्रेंड्स वो लगता नहीं है तो हम उसको जैक ऊंचा नीचा करके सेटिंग करके लगाते हैं हम, आप देख सकते हो ये जैक रहते हैं हमारे ऐसे ऐसे, तो हम उसको चढ़ा उतार के हम वो लेवल में रहते हैं बूस्ट पिन को वो लगाते हैं, ठीक है। वहाँ पे भैया जैक लगा रहा है अभी, और ये पिन हम ले लेंगे। फ्रेंड्स कमान लगा लिया है हमने कंप्लीट, न्यू इंस्टॉल कर लिया है, आप देख सकते हो। पहला वाला कमान का पहला पाटा है, न्यू है, ये कंप्लीट फिटिंग करना रहता है, सब कुछ बोल्ट बोल्ट एकदम चेक करना रहता है, जोली का बोल्ट खींचना रहता है, दोनों जंपर का बूस बूस सब चेक करना पड़ता है, ठीक है।
ये पीछे वाला पार्ट है कमान का, यहाँ पे ग्रीसिंग व्रीसिंग लगा के निपल है फोड़ने का, और ये बोल्ट भी कसना रहता है एकदम कम्प्लीट तीन का, और जोड़ी का बोल्ट पीछे वाला। ठीक है, तो ये नया पार्ट हमने इंस्टॉल किया, एकदम परफेक्ट हो गया है। आप देख सकते हो इसका लेवल एकदम परफेक्ट है। तो अब जितना भी चाहे सामान भर सकते हम। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।